हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पेंटिंग आर्ट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, पेंटिंग आर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि केवल रस्सी की सहायता से मैं लेटर ग्राफिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो आप देख सकते हो, मैंने रस्सी में एक किनारे पर एक गांठ लगाया हुआ है और दूसरा जो कि यहाँ, तो पहला वाला हो गया ये वाला हिस्सा हो गया एक सीधी लाइन के लिए, और ये जो है नीचे वाला ये गैपिंग के लिए है। ओके फ्रेंड, ये ध्यान रहे, पहले वाला सीधे लाइन के लिए और ये दूसरा हिस्सा ये गैपिंग के लिए, बस ये याद रहे। और ये दूसरे वाले हिस्से को लेता हूँ जो कि गैपिंग वाले को, ये सीधी लाइन बनाने के लिए एक यहाँ निशान बना देता हूँ, एक यहाँ किनारे पे बना देता हूँ। उसके बाद फिर रस्सी को ऐसे छोटी उंगली में ऐसे पहन लेना है, उसके बाद फिर अंगूठे और तर्जनी की सहायता से इसको ऐसे खींच देना है, तो लाइन जो है आसानी से पड़ जाता है। ओके फ्रेंड, और रस्सी में चौक लगा देना है निशान, एक सीधी लाइन ऐसे बना लेना है, ये देखिए तर्जनी उंगली और अंगूठी की सहायता से ऐसे रस्सी को खींच देना है, तो जो लाइन है आसानी से पड़ जाता है। और यहाँ मैं जैसे पेंटर लिखना है तो प में एक सीधी दो सीधी लाइन चाहिए। ओके फ्रेंड, तो सीधी लाइन के लिए लेता हूँ मैं पहले वाले को। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, ये सीधी लाइन के लिए है ये गैप, ये देखिए यहाँ चाक को ऐसे फंसा लेना है, ऊपर में एक नीचे में निशान बना लेना है। और गैपिंग के लिए ये दूसरे हिस्से को लेता हूँ जो कि उससे छोटा है लंबाई में, ये ऐसे फिर रस्सी में चाक लगा लेना है, ये फिर सीधी लाइन के लिए पहले वाले को लेता हूँ और निशान बना देता हूँ, उसके बाद फिर ये लाइन बना लेता हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया प लिखने के लिए ग्राफ, ये ऐसे कर देना है तो ये हो जाता है, ये हो गया पे, ये ऐसे इसको भी आप ये ऐसे नाप सकते हो पहले वाले से, फिर इसे लाइन बना लेना है। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया पे। उसके बाद ट लिखना है, तो ये गैपिंग दूसरा वाला फिर लेना है, ट लिखने गैप वाले को दूसरे वाले को, ये देखिए दूसरे वाले को यहाँ निशान बना लेता हूँ, ये ऊपर में यहाँ एक नीचे में। ओके फ्रेंड, उसके बाद फिर ये चाक लेता हूँ रस्सी में, ये फिर देखिए ट लिखना है, तो ट लिखने के लिए दो सीधी लकीर चाहिए, तो ये पहले वाले को फिर लेता हूँ, ये फिर निशान बना लेता हूँ। ओके फ्रेंड, उसके बाद गैपिंग चाहिए, तो गैप के लिए है दूसरा वाला, दूसरे वाले में ऐसे निशान बना लेना है इन ऊपर भी और नीचे भी, और दोनों को ऐसे मिला के रस्सी की सहायता से लाइन बना लेना है। तो आप देख सकते हो, पहले वाला जो हिस्सा है मोटाई ये खड़ी लाइन के लिए है और दूसरा वाला जो है गैपिंग के लिए, ध्यान रहे। आप अपने अनुसार ओके फ्रेंड बना सकते हो, जितना बड़ा बनाना चाहते हो बना सकते हो, गैपिंग अपने अनुसार बना सकते हो। ओके फ्रेंड, तो वो देख सकते हो ये हो गया ट, ये ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ये हो गया पेन ट। अब र लिखना है, तो र लिखने के लिए भी दो सीधी लाइन चाहिए। ओके फ्रेंड, तो पहले गैपिंग बना लेना है, तो गैपिंग के लिए दूसरा वाला लेता हूँ और ये पहले लाइन बना लेता हूँ, उसके बाद दूसरे वाले को लेना है लाइन बनाने के लिए और ऐसे लाइन बना लेना है। ओके फ्रेंड, गैपिंग के लिए भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, चाहता तो पूरा पेंटर को एक साथ ग्राफिंग कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड, इन आप लोगों को दिखाने के लिए बारी बारी से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पहला वाला खड़ी लाइन हो गया, अब चाहिए गैपिंग वाला, तो दूसरा को लेता हूँ और ये ऐसे पकड़ लेना है, ये यहाँ निशान बना लेना है ऊपर साइड में एक नीचे में, और रस्सी की सहायता से इसको ऐसे लाइन बना लेना है। एक यहाँ फिर से
ये रस्सी में शॉक लगा देता हूँ और ये ऐसे लाइन खींच लेना है। तो ये हो गया र, तो ये हो गया पेंटर, जैसे कि आप देख सकते हो। क्रॉपिंग करना एकदम इजी है दोस्तों, आप आसानी से अपने अनुसार बना सकते हो, जितना बड़ा बनाना चाहते हो बना सकते हो। गैपिंग को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हो इस, ये रॉयल पेंट यूज कर रहा हूँ जो कि एशियन का है, रेड कलर, और ब्रश यूज कर रहा हूँ 8 नंबर जो कि फ्लैट ब्रश बिनर सेट वाला। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड ये रस्सी वाला ग्राफिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। ये जो यूज कर रहा हूँ ये ब्रश जो है 8 नंबर है, फ्लैट ब्रश बिनर सेट वाला है। ओके फ्रेंड, और कलर जो है रॉयल इमर्सन पेंट है, एशियन कंपनी का। ओके फ्रेंड,